क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। आज ना मैं कन्नी के साथ देखने जा रहा हूँ मूवी। बारबी नहीं देखने जा रहा, मैं देखने जा रहा हूँ ओपन हाइमर। मैंने बारबी का ट्रेलर देखा, मेरे को तो बिल्कुल ही बेकार लगा। लेकिन ओपन हाइमर का अपना किलियन मर्फी, और इसको पीकी ब्लाइंडर्स में भी देखा था, बड़ी मस्त एक्टिंग करता है, क्लास बंदा लगता है मेरे को। प्लस ये मूवी एटॉमिक बॉम्ब के रिलेटेड भी है। मैं ऐसे एक दो रील्स में देख रहा था, ओपन हाइमर जो है अपना, वो भगवत गीता, मतलब ये बम बनाने के बाद भगवत गीता को कोट कर रहा है। तो देखते हैं जरा कि कितना लिंक है भगवत गीता का इस मूवी से। भाई 12:30 बज गए हैं और 12:30 बजे पहुंचा हूँ मैं। लेट हो गया हूँ भाई, कन्नी का फोन भी आ रहा है, आज उसने पिटाई लगानी है। भाई स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं आज। क्या कह रहे हैं, इतनी लेट कर दिया आपने? हाँ यार, ये ट्रेलर वगैरह देखने में ही फील आता है ना। पढ़ना शुरू कर दिया तूने? मैंने तो एक ही रोटी खाई है, तूने क्या खाया? मैंने तो सिर्फ दाल पी है। और कन्नी पॉपकॉर्न खाए हमारे? अरे आ रहे सिले हुए थे। ये चीज किसने सिखाई है तेरे को? मेरे को बचपन से बता दी। अच्छा, मैंने सिखाई है। भाई फर्स्ट हाफ खत्म हो गया मूवी का। इनिशियली थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी, बट अभी इंटरवल आते आते थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। थोड़े से स्कूल की फिजिक्स याद आ गई, अपना न्यूट्रॉन, न्यूक्लियाई, रेडिएशन, फिजन, फ्यूजन, आइंस्टाइन, बोर, ये सारे नाम मैंने पढ़े रखे हैं फिजिक्स में, तो इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। बट अभी मूवी थोड़ी सी मेरे को ओवर हाइप्ड तो लग रही है, मतलब ना बारबी और ओपनहाइमर का जो मीम्स जैसे चल रहे थे, तो उस हिसाब से ऐसे कुछ नहीं है कि भाई ये तो देखनी देखी है मूवी अभी तक। कन्नी से पूछते हैं उसको कैसी लगी। शायद स्कूल के बच्चों को भी इसलिए मूवी दिखा रहे हैं, ये फिजिक्स इन्वॉल्व है ना। ये कन्नी ना बड़ा टाइम लगाती है। आ गई दे, पता नहीं आधा घंटा लगा देती है वॉशरूम में। फर्स्ट हाफ कैसा लगा? दोस्तों मैं घर जाने वाला था, लेकिन कन्नी ने मेरे को अपनी मजेदार लजीज चाय पिलाने के लिए रोक दिया है। तू भी बोलते है कोई जिंदगी का अमृत लगता है। हाँ। बता सबको कितनी लजीज है ये चाय। बहुत लजीज है और ये जिंदगी का अमृत लगता है। कन्नी, यस, तेरे को मूवी कैसी लगी? यार सेकंड हाफ बहुत एंगेजिंग था। हाँ। और फर्स्ट हाफ थोड़ा ऐसे लग रहा था कि यार बड़ो तो सही आ गया एक्चुअली। लास्ट में आते आते थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई ना। बट ये कुछ ऐसे थोड़ी ओवरहाइप्ड मूवी नहीं लगी तेरे? ओवरहाइप्ड है, है ना? मतलब नेटफ्लिक्स पे भी देखेंगे तो चल जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ओ भाई। बट ये है कि किलियन मर्फी की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, वो भी अच्छी। हाँ। और उसकी जो किलियन मर्फी की जो वाइफ बनी है उसकी कितनी अच्छी एक्टिंग, उसका रोल कम था बट सही है, जितना भी था उसमें अच्छा किया उसने। कन्नी तेरे को क्या लगता है कि मतलब ये मूवी देख के व्हाट्स योर टेक ऑन न्यूक्लियर बॉम्ब? मतलब आई नो तेरा इतना ओपिनियन मैटर नहीं करता। ये जो वर्ल्ड फोरम्स में लोग बैठते हैं ना, पता पहली क्वेश्चन किसको आती है? हाँ। मुझे। तेरे को? आज तक तो मैम आपको तो कहीं देखा नहीं किसी G20 समिट हो रहा है, हुआ भी रिसेंट। सीक्रेट वेपन हूँ। सीक्रेट वेपन है? अच्छा, एकदम टॉप लेवल बंदे नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स। हाँ जी, हाँ जी। कन्नी तो कहीं तीखी पत्ती नागास्त्र तो नहीं है ना कहीं? तुम नंदी भाई देख लो, एक टाइम में इनके घर किलो भर चाय बनती है। भाई मेरे को तो मूवी इंटरेस्टिंग लगी, बट ये है कि इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली आप ₹1000 की टिकट खर्च करके आईमैक्स पे देखने जाओगे। दोस्तों चाय पी ली है मैंने, एक नंबर कैड़ी चाय बनाई है कन्नी ने, और अभी मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को अपने घर जाना पड़ेगा। तो कन्नी जाएगी वॉक पे और मैं जाऊंगा अपने घर।
दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं। थोड़ी सी ओपनहाइमर के बारे में मेरे को बात करनी थी। 3 घंटे की मूवी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये मूवी बेस्ड है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर। वो एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन करी थी। अमेरिका, जैसा कि आपको पता है, उन्होंने दो एटॉमिक बॉम्ब छोड़े थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, नागासाकी में और हिरोशिमा में इन जापान। इन्वेंशन तो देखो यार, ओपनहाइमर अमेरिका का साइंटिस्ट है। अगर अमेरिका का साइंटिस्ट नहीं करता एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन, तो जर्मन का साइंटिस्ट कर देता। जर्मन का नहीं करता तो रशिया का साइंटिस्ट कर देता। मतलब ये तो इनएविटेबल था कि एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन तो होनी होनी है, तो उसको रख देते हैं साइड में। बात करते हैं यूएसए की। हैरी एस ट्रूमन प्रेसिडेंट था अमेरिका का जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया। मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने बहुत ही वर्स्ट डिसीजन लिया कि ये सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिराए एक वॉर ख़त्म करने के लिए। वॉर हमेशा दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, बट आर्मीज लड़ती है, सोल्जर्स लड़ते हैं, सिविलियंस नहीं लड़ते। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ ख़त्म। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।